हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू अड्डा 24/7 IAS। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पीएससी यानी कि यूपी पीसीएस का मेंस का सिलेबस आ चुका है। आज दिनांक 4 मार्च है और 4 मार्च को ही हमारे यूपी पीसीएस बोर्ड ने, जो भी यूपी पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसने पीसीएस के सिलेबस को आउट। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है, कौन से पेपर में किस तरीके से चीजों को मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस पेपर फर्स्ट की, जिसे आप सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के तौर पर जानते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम? सबसे पहले इतिहास का वो पर्सपेक्टिव हम देखेंगे, भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक का कला रूप, साहित्य, वास्तुकला, इसका मतलब आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद मॉडर्न इंडिया 1757 से 1947 यानी कि प्लासी जब हुआ, बक्सर, एंग्लो सिख वार, एंग्लो मराठा वार, एंग्लो मैसूर वार, उसके बाद 1857 की क्रांति, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, कांग्रेस की फॉर्मेशन, 1905 में कांग्रेस का बंटवारा, बंगाल पार्टीशन, मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन, गांधी जी का भारत में आना, फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत मूवमेंट, उसके बाद भगत सिंह को फांसी, उसके बाद साइमन गोबे, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हमें यहाँ पर पूरे के पूरे चीजों को दिखाए गए, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, समस्याएं, इन सबको यहाँ पर देखना है। स्वतंत्रता संग्राम, इसके इसमें विभिन्न चरण यानी कि किस किस कंटेक्स्ट में महत्वपूर्ण व्यक्ति आपको नजर आते हैं, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जो भी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी है, उन सबके बारे में जानना है। उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि 1965 तक भारत के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी, भारत को किस तरीके से पुनर्गठित किया गया, ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि भारत ने बहुत सारी समस्याओं को देखा, इतने सारे प्रिंसली स्टेट, इतने सारे टुकड़े। उसके बाद बंटवारे का नया नया होना एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर था और मेंस में इन पर डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद इसने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को भी, वर्ल्ड हिस्ट्री को भी इसमें शामिल कर दिया। 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक के, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक रिवॉल्यूशन यानी के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, कॉलोनियलिज्म और उसके एंड होना, साम्यवाद, कम्युनिज्म, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, समाजवाद, सोशलिज्म, नाजीवाद, नाजिज्म, फासीवाद, फासिज्म, इसका मतलब पूरा का पूरा पहलू आपको यहां पर पढ़ना है, समझना है। भारतीय समाज की संस्कृति और उसकी विशेषताएं, भारतीय समाज कहाँ पर महत्वपूर्ण है, महिलाएं, समाज महिलाओं के संगठन की भूमिका, जनसंख्या, उससे संबंधित समस्याएं, गरीबी, विकासात्मक पहलू, शहरीकरण क्या होता है, उसकी समस्या और समाधान, उसके बाद लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, इनका क्या पहलू है, भारत की अर्थव्यवस्था के कंटेक्स्ट में कहां पर नजर आती है, इसका मतलब जीएस पेपर वन में आपको हिस्ट्री का पहलू और सीधा इकोनॉमिक्स का पहलू नजर आता है। उसके बाद सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म, धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता आपको पता है कि इसे सीधे तौर पर सेकुलरिज्म के तौर पर देखा जाता है। ज्योग्राफी का, जल, मिट्टियां, वन, दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत के कंटेक्स्ट में भी समझना है। भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषता, भूकंप क्या होता है, सुनामी क्या होती है, ज्वालामुखी क्रियाएं क्या है, चक्रवात क्या है, आपका जो भी जल धाराएं हैं, करंट है, उनके बारे में, सामुद्रिक संसाधन और उनकी संभाव्यता किस तरीके से भारत के लिए जरूरी है, मानव प्रवास मतलब कहां से किस तरीके से यहां से छोड़कर लोगों का बाहर जाना, बाहर से भारत में आना, विश्व के शरणार्थियों की समस्या यानी कि जो भी लोग अपने घर से बेघर हो जाते हैं, शरणार्थी की समस्या, भारत के उपमहाद्वीप के संबंध में जिसमें आप लोगों को सीधे तौर पर म्यांमार के रोहिंग्यास का इशू, बांग्लादेश का इशू, इसमें मेंशन करना होगा, समझना होगा। सीमांत और सीमाएं, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में हमारी कहां से कौन सी सीमाएं किस तरीके से है, जनसंख्या अधिवास जिसमें आपको नगरीकरण, स्मार्ट नगर, स्मार्ट ग्राम, क्या कंटेक्स्ट है, किस तरीके से आपको नजर आता है, ये फर्स्ट पेपर का पार्ट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पेपर की, बहुत महत्वपूर्ण, भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार,
कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका है, संघ और राज्यों के कार्य के उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विशेष चुनौतियां, फेडरलिज्म से संबंधित चीजें, केंद्र और वित्तीय यानी के केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशन, और वित्त आयोग की भूमिका आर्टिकल 280 से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, अल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो भी आपके अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम के बारे में बात की गई, भारतीय संविधान की योजना अंतर लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना महत्वपूर्ण है, जनरली चलती नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन दूसरे लोकतांत्रिक देश जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, इनके बारे में, कार्यपालिका न्यायपालिका की संरचना, उनके संगठन और कार्य, केंद्र सरकार के मंत्रालय, उनके विभाग, जनहित याचिका बहुत महत्वपूर्ण है, आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की 1950 और 1951 दोनों के बारे में पढ़ना होगा, उसके साथ साथ विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां, शक्तियां, कार्य, उनके उत्तरदायित्व, लाइक इलेक्शन कमीशन, लाइक अटर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, संविधिक, विनियामक, विधायक, अर्धन्यायिक, न्यायिकाएं, यानी कि कौन कौन से आपके सेमी जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल के कंटेक्स में आपको नजर आते हैं, नीति आयोग समेत उसकी विशेषताएं और कार्यभाग, क्या क्या काम करता है, सरकारी गवर्नमेंट की पॉलिसी, विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए हस्तक्षेप की बात, उसके साथ साथ आईसीटी जो कि कंप्यूटर यानी कि प्रौद्योगिकी के कंटेक्स में आपको नजर आता है, विकास प्रक्रिया, गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह और संघों का अभिदाता, सहायार्थ संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं जो कि पूरी तरीके से आपको 19 आर्टिकल के अंतर बनाने की आजादी दी गई, केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदन सरल वर्गों के कल्याणकारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं में कुछ भी वो पूछ सकता है, प्रधानमंत्री जनधन योजना पूछ सकता है, प्रधानमंत्री आवास योजना पूछ सकता है, स्कॉलरशिप के बारे में पूछ सकता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, गरीबी, भूख से संबंधित विषय, राजनीतिक व्यवस्था व्यवस्था के लिए इनका क्या क्या जरूरीपन है, ई गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, सिटीजन चार्टर, इन सब के बारे में पूछेगा, डेमोक्रेसी में उभरती हुई प्रवृत्तियों, सिविल सेवाओं की भूमिका, व्हाट इज द रोल ऑफ सिविल सर्वेंट, भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, बायलेटरल, रीजनल और ग्लोबल स्तर पर भारत का रोल, भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक या करार, क्या क्या उसने समझौते किए हैं, करार बोलते हैं समझौते करने को, भारत के हितों में अप्रवासी भारतीयों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियां और राजनीति का प्रभाव, इसका मतलब ऐसे लोग जो भारत में निवास नहीं करते हैं, जो अप्रवासी है, उनके कंटेक्स में क्या नीतियां, क्या प्रभाव आपको देखने की मिलती है, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान, मंच, उनकी संरचना, उनका सब कुछ आपको समझना होगा, ये पेपर टू हो जाता है। पेपर थ्री की जब हम बात करते हैं, भारतीय आर्थिक नियोजन, इसके बारे में बताना है कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स पॉलिसीज यहां पर नजर आती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या गोल है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, गरीब के मुद्दे, इकोनॉमिक्स का पूरा पोर्शन, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, सरकार के बजट के पार्ट और वित्तीय प्रणाली, फाइनेंशियल फसलें, एग्रीकल्चर का पहलू, इकोनॉमिक्स के कंटेक्स में सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, धुलाई, सब कुछ शामिल है। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कृषि अनुदान, किस तरीके से कृषि को अनुदान दिया जाता है, एमएसपी क्या होती है, किस तरीके से एमएसपी काम करती है, बफर स्टॉक क्या होता है, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजिकल क्या रोल है, भारत के स्वतंत्रता के पश्चात भूमि में किस तरीके से सुधार किया गया, फूड सिक्योरिटी में क्या कंटेक्स्ट है, किस तरीके से चीजें की जा रही है, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के प्रभाव, इंडस्ट्री की नीतियों में परिवर्तन, इन सब के बारे में जानना है, आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक बंदरगाह, ऊर्जा, सड़क,
हवाई जहाज यानी के एरोस्पेस, पूरी तरीके से रेलवे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान प्रौद्योगिकी की नीति का दैनिक जीवन में अनुपयोग किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धियां बहुत महत्वपूर्ण, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जिस तरीके से आ रहे हैं, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, ऊर्जा स्रोत की नैनो टेक्नोलॉजी, उसके बाद जीन टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का पहलू बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट का कंटेक्स यहां पर दिखाया गया। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात यहां पर लिखी गई। साइबर सुरक्षा क्या होती है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, मानव ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है, मानव तस्करी, भारत की आंतरिक सुरक्षा इंटरनल सिक्योरिटी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बगावत, असंगठित अपराध या संगठित अपराध, सुरक्षा बलों की क्या भूमिका है, कृषि, बागवानी, वानिकी और पशुपालन के मुद्दे इनको यहां पर शामिल किया गया है। तो पेपर थर्ड में आपको ये सारी चीजें नजर आती हैं। जब पेपर फोर की बात करते हैं तो नीति शास्त्र और मानवीय अंत, जिसमें मानवीय क्रियाकलापों का नीति शास्त्र का सार्थक बताया गया। मानवीय मूल्य एक तरीके से आप समझ सकते हैं इथिक्स क्या होता है। एप्टीट्यूड अभिवृत्ति के बारे में बताया गया। सिविल सेवा के लिए क्या क्या अभिरुचि बुनियादी पहलू शामिल है, एक तरीके से समझ लीजिए जैसा आपका यूपीएससी में पूछता है उसी प्रकार पीसीएस ने पूरा का पूरा पैटर्न रख दिया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर जी अब जो है हम पीसीएस को हल्के में लेंगे, पीसीएस बिल्कुल उसी लेवल पर काम कर रहा है जिस लेवल पर आपसे यूपीएससी पूछता है। तो पूरा इससे बढ़िया मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा। संवेगात्मक बुद्धि, लॉजिकल बुद्धि कह सकते हैं, लॉजिकल इंटेलिजेंसी, लोक प्रशासन, लोक सिविल सेवा के मोती और शीर्षा, उनकी क्या क्या उनके इथिक्स उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्या मोरलिटी जुड़ी हुई है, क्या क्या मोरल उनके होने चाहिए, जैसे क्या समस्याएं, क्या स्थिति है सरकारी और निजी संस्थानों में, नैतिक जो आपका मोरल सरोकार क्या है, दुविधाएं क्या है, इनको कैसे ठीक किया जाए। शासन व्यवस्था में ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण, एक सिविल सर्वेंट का सबसे महत्वपूर्ण गुण। इसका मतलब पेपर फोर भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारी केस स्टडी जो इथिक्स से जुड़ी हुई होती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आप किसी जिले के कलेक्टर बन गए और आपने देखा वहां पर हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो गया, आप क्या करेंगे, ऐसी केस स्टडी दी जाती है। पेपर पांच स्पेसिफिकली राज्य स्पेसिफिक हो जाता है, उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, प्राचीन नगर, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, महत्व, रखरखाव, संग्रहालय, सारी चीजों के बारे में। 1857 की क्रांति में पहले और बाद में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान था, उत्तर प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी व्यक्तित्व कौन थे, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी, जनजातीय मुद्दे, इन सबको भी यहां पर देखा गया है। शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, इन सबके कंटेक्स्ट में आप लोगों को चीजें जाननी है, बतानी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय और उसके अधिकार क्षेत्र, मतलब सेंटर वाली जुडिशरी को यहां पर पढ़ने का काम किया गया है, जैसे हाई कोर्ट, एडवोकेट जनरल। इसके साथ साथ राज्य चयन मानदंड, राजभाषा क्या है, संचित निधि, आकस्मिक निधि, संचित निधि जो परमानेंट अकाउंट, आकस्मिक निधि जो राज्यपाल के अंडर होता है, उत्तर प्रदेश सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर बहुत महत्वपूर्ण, ई गवर्नेंस वाले पहलू, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार इसका प्रभाव क्या है, उग्रवाद के प्रसार विकास के बीच संबंध किस तरीके से चीजें ठीक की जा रही है, आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने वाले कंटेक्स्ट यहां पर शामिल है। उसके बाद साइबर सुरक्षा, बुनियादी नियम काले धन को, यानी कि साइबर सुरक्षा जो भी इंटरनेट प्रोटोकॉल या इंटरनेट के माध्यम से साइबर सिक्योरिटी से संबंधित चीजें, बहुत सारी बल एजेंसियां उनपे अधिकार पत्र शामिल है। उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था, नागरिक अधिकार सुरक्षा क्या होती है, चिकित्सा के मुद्दे क्या है, शिक्षा प्रणाली किस तरीके से काम क्या करती है, करंट अफेयर किस तरीके से जुड़ा हुआ है, भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका है, पर्यावरण के मुद्दे यहाँ पर शामिल है, पर्यटन किस तरीके से टूरिज्म को शामिल किया जाए, एनजीओ से संबंधित मुद्दों को शामिल किया गया, जल शक्ति मिशन, जल जीवन मिशन यहाँ पर शामिल किया गया,
ये पेपर 5 में इतना सारा आप लोगों को नजर आता है। इन द लास्ट पेपर 6 उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य, आर्थिक पहलू, बजट, बुनियादी विशेषताएं, कहां से क्या क्या चीज शामिल है, व्यापार वाणिज्य ट्रेड एंड कॉमर्स को शामिल किया गया, वेलफेयर ऑफ द वेलफेयर योजनाओं की बात की गई, वेलफेयर प्लानिंग की बात की गई, निवेश इन्वेस्टमेंट, आपको पता है कि यूपी में अभी ग्लोबल समिट हुई है इन्वेस्टमेंट को लेकर, जनसंख्या जनगणना से संबंधित, कृषि फसलों के उत्पादन से संबंधित, कृषि और सामाजिक वानिकी से संबंधित, कृषि विविधता से संबंधित, कृषि पर बहुत अच्छे से फोकस किया गया, भौगोलिक स्थिति, जलवायु, सिंचाई, खनिज, अपवाह प्रणाली, परिवहन तंत्र, पूरा का पूरा आपको यहां पर नजर आता है। उत्तर प्रदेश SRTC राष्ट्रीय राज्य सड़क परिवहन निगम, सारी चीजों को यहां पर शामिल किया जा रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन, मृदा, जलवायु, वन, घास मैदान, पूरा का पूरा पहलू, मौसम पुनर्वन और उससे संबंधित मुद्दे, जीव जंतु के बारे में, वनस्पतियों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण कंटेक्स्ट शामिल है यहां पर, विज्ञान तकनीक मुद्दे, प्रसार प्रयंत्र ये भी शामिल है। उसके बाद जो भी प्राइमरी एक्टिविटीज है लाइक मत्स्य, मछली पालन, अंगूर पालन, रेशम, फूल, बागवानी, किस तरीके से सरकार इनको सपोर्ट करती है, किस तरीके से सरकार आप लोगों को यहां पर दिखाती है। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक और निजी साझेदारी को प्रोत्साहन, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को जिस तरीके से प्रोत्साहन दिया जा रहा है वो आपको यहां पर दिखाई पड़ता है। तो इसका मतलब बेस्ट आपको सिलेबस बिल्कुल UPSC के पैटर्न पर दिया जा रहा है। तो अब आपके पास अड्डा 247 का मौका है कि आप अपनी इस तैयारी को नई दिशा दें। अड्डा की तरफ से आप लोगों को पूरी तैयारी करने का कंप्लीट मौका दिया जाएगा। सारे के सारे बैचेस रेगुलर बेसिस पर आपको नजर आएंगे। आपको सब्सक्रिप्शन यानी कि पेड कोर्स लेना है तो आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं Y717। इस कोड के माध्यम से आपको 78% डिस्काउंट भी मिलेगा। याद रखिएगा, इससे बेहतर आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। तो जुट जाइए, जब तक कि कामयाब ना हो जाए हम मिलते हैं आपके साथ लगातार क्लास में। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।